यदि मैं आपसे ये बोलूं कि आप अपनी डेटा का उस सेल करो जो भी आपका डेटा बचा हुआ है और उसके बदले में आपको पैसे मिले तो आप कैसा रहेगा? जी हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में ऐसी एप्लीकेशन से शेयर्स करने वाला हूँ जो आपको पैसे देगी, बदले में वो आपसे आपका डेटा लेगी। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना डेटा देना चाहते हैं उस एप्लीकेशंस को, उतने आपको उसमें पैसे मिल जाएंगे। ओके, तो आपको पता ही होगा कि गाइस 1.5 से 2 GB, 2.5 GB, 3 GB पर डे का सभी को मिलता है। ओके, अब रिचार्ज ही ऐसे चल रही हैं जिसमें पर डे का डेटा आपको मिलता है, लेकिन उसमें आप कुछ यूज़ करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं तो आप जो है इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, फिर वो आपसे डेटा लेगी और आपको उसके बदले में पैसे देगी। ओके, तो कैसे करना है सारा प्रोसेस जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का ज़रूर वॉच करिएगा। ओके, सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, मैंने साइट्स का लिंक दे दिया है। ओके, साइट्स का नाम है honeygain.com। ओके, शायद आपने सुना भी होगा, पहले सुन भी रखा है तो आप यहाँ पर पूरा देख लीजिए प्रोसेस क्या क्या है इसका। ओके, तो आप इसके इंटरफेस पे चले जाओगे, देखो इस तरह का इस साइट का इसका इंटरफेस है। तो गाइस इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर दिखा रहा है न्यू टू honeygain हायर टू $5 गिफ्ट। चलो आगे देखते हैं, इसे मैं कट कर देता हूँ और एप्लीकेशन को डायरेक्टली मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, डाउनलोड होने के बाद में मैं एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करूँगा अपने फ़ोन में। ये बेसिकली जो है विंडोज़ के लिए भी है और आईफोन के लिए भी है। ओके, और एंड्रॉयड के लिए भी है। ओके, तो मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। ओके गाइस, तो इंस्टॉल करने के बाद मैं इस एप्लीकेशंस को ओपन करूँगा अपने फ़ोन में। ओके, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसका इंटरफेस इस तरह का आएगा तब आप इसको ओपन करोगे। honeygain यहाँ पर दिख रहा है और इसकी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी, यूज़ किस तरह से करना है सब कुछ ये आ जाएगा। तो इसे आपको एग्री करके स्किप यहाँ पर कर देना है, इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। यूज़ मोबाइल डेटा, तो आपको इस पर करना है यस, कि आपका मोबाइल डेटा यूज़ करेगा। ओके, तो यहाँ पर यस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यस किया, विल वर्किंग ऑन, सो यहाँ पर मोबाइल डेटा लिमिट यहाँ पर आपको सेट करनी है कि कितना आपका डेटा लेगा ये एप्लीकेशंस। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैं 500 कर लेता हूँ और MB मतलब कि मेरे 500 MB ये डेटा लेगा। ओके, और मैं इसे कर लेता हूँ डन पर क्लिक। डन पर क्लिक करने के बाद अर्निंग में बी लिमिटेड एंड्रॉयड OS में जो शूट डाउन, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इसको डिसेबल बैटरी ऑप्टोमाइजेशन कर सकते हैं। इसका मतलब आप अगर अपने फ़ोन को एक साइड में भी रख देते हैं तो फिर भी ये बैकग्राउंड में वर्क करता रहेगा। ओके, सो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। अब आपको सिंपल इसमें साइन अप करना है। ओके, तो साइन अप करने के लिए आपको गूगल या फेसबुक का सहारा लेना होगा भाई। तो मैं यहाँ पर गूगल पे क्लिक करके अपनी यहाँ पर डायरेक्टली गूगल आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर अलो आपको परमिशन दे देनी है और ईमेल आईडी पे जो आप सेलेक्ट करोगे उस पर कंफर्मेशन के लिए जाएगा यहाँ पर honeygain की ओर से, एक वेरीफाई करना है वहाँ पर आपको अपने ईमेल को। ओके, तो कंफर्म मैंने यहाँ पर कर दिया, तो अब मैं अपनी डायरेक्टली ईमेल पर जाऊँगा गाइस। ओके, और ईमेल पर जा कर के मैं इसे वेरीफाई करूँगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे को आ चुका है वेरीफाई ईमेल, तो यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली honeygain एप्लीकेशन पर ही आपको करना है। क्रोम पर मत करें, क्रोम पर भी कर सकते हैं, honeygain पर मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, करंट बैलेंस 0.00 यहाँ पर दिखा रहा है मेरा। ओके, तो इसका पे आउट वगैरह ये सब भी मैं आपको बताऊँगा कि कितने पे है इस पर। तो यहाँ पर और मोर पर जा कर के मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरा 500 MB यहाँ पर लिमिट हुआ है। ठीक है, मोबाइल डेटा लिमिट 500 MB यहाँ पर मेरा ये लेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाएगा, कितने आपने रन किए, ट्रांजैक्शन कितने किए, वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो होगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर पे आउट करने के लिए यहाँ पर पे आउट पर क्लिक करना होगा आपको, लेकिन पे आउट अभी नहीं होगा इसमें। पे आउट की भी जो है एक वो करंट बैलेंस होना चाहिए आपका $20, इसमें ये शो कर रहा है, मैं आगे भी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर सेटिंग में आप और भी लिमिट को और इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से वर्क करता है ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यू हैव तो देख सकते हैं कि यहाँ पर $20 आपके पास में होने चाहिए तो आप पेपल अकाउंट्स में यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे भाई पेपल अकाउंट तो हमारे पास में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पेपल अकाउंट ज़्यादातर लोगों के पास में नहीं होता है।
ओके okay, तो आपको एक पेपल अकाउंट बना लेना है। आपको नहीं पता पेपल अकाउंट किस तरह से बनता है, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, तो पेपल अकाउंट आपको बनाना होगा उसमें। तो डॉलर में तो देखो कन्वर्ट करने के लिए तो INR में तो पेपल का सहारा लेना पड़ता है। ओके okay? तो पेपल क्या करता है, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है उस पैसे को। ओके okay? तो बस यही थी यार वीडियो। ओके okay? तो आप जो इस एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। देखो आप पेपल अकाउंट बनाओ, अगर नहीं पता तो वीडियो देखो, ट्यूटोरियल देखो, वो आपको बताएगी, तो आप उस तरीके से पेपल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको एक साइड में मोबाइल रखना है और आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक होती रहेगी, डाटा ये लेता रहेगा। तो बस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो यार इस वीडियो को। ओके और मिलता हूँ ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ओके।